सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हमारे मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री सम्मानीय अमित भाई शाह जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित असम के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भवेश कलिता जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बजेंद्र पांडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया जी, भारत सरकार में मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, पवन शर्मा जी, संवित पात्रा जी, ऋतुराज जी, हमारे लोकप्रिय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कोने कोने असम से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने आप को शामिल हुए और इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने कार्यक्रम को सुशोभित किया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हाका लोके नमस्कार। मित्रों, मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा कैमरा पीछे दिखाएं और दुनिया को बताएं कि जो राजनीतिक दल इतनी बड़ी सभा भी नहीं कर सकती, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन भी इतना बड़ा होता है और इतनी ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जनसभा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन है। मित्रों, ये आप लोगों का अथक प्रयास है जिसने भारतीय जनता पार्टी को यहां मजबूत बनाया और यहां मजबूत बनाने के साथ साथ राष्ट्रवादी ताकतों को जो आपने आवाज दी है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत किया है। मैं जब ये कह रहा हूं कि आपने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत किया, आज पार्टी यहां पर मजबूत हुई है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेतृत्व के परिवर्तन के साथ और सही पार्टी के सही जगह पर होने से देश और प्रदेश का कितना अंतर होता है, इसको हमको समझना चाहिए। एक समय था जब आपके ही प्रदेश के बारे में चर्चा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, असम बाय बाय, आवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, आवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम। यानी उन्होंने मान लिया था कि असम चला गया, असम हमारे साथ नहीं रह पाएगा। ये नेतृत्व की कमजोरी थी। उस समय गोपीनाथ जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको बचाने में जो प्रयास किया, पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाद में गोपीनाथ जी ने जो प्रयास किया, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। आज असम मजबूती के साथ देश के प्रहरी के रूप में खड़ा है और मैं नेतृत्व के बारे में जरूर चर्चा करना चाहता हूं। यही असम को, यही नॉर्थ ईस्ट को लोग दिल्ली में बैठकर इस तरीके से देखते थे
कि जैसे हो तुम किसी और प्रदेश के हो, तुम कहीं और से आए हो। और उस समय का वातावरण इस प्रकार का था जिसमें उत्तर पूर्व की उपेक्षा होती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 8 वर्षों में 50 बार उत्तर भारत का दौरा किया और उसको मुख्य धारा में शामिल किया है। 50 बार हर मंत्री भारत सरकार का 15 दिन में यहां होता है, उत्तर पूर्व में होता है, मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया है। आज प्रधानमंत्री जी की नीति लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, पूर्व की ओर देखो और पूर्व की तरफ काम करो, इस बात को लेकर के भारत सरकार काम में जुटी है। और मुझे खुशी है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने, पहले सर्वानंद सोनोवाल जी ने और बाद में हेमंत बिस्व शर्मा जी ने असम को, और नहीं सिर्फ असम को बल्कि पूरे उत्तर भारत को, जो भारत सरकार ने मदद की उसको अक्षरशः धरती पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने जिस तरीके से कार्यक्रमों को लागू किया है और नीचे तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो प्रदेश को मजबूती प्रदान की है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आज असम की तस्वीर बदली हुई तस्वीर है, उत्तर भारत उत्तर पूर्व की तस्वीर बदली हुई तस्वीर है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने आपके सामने बड़े विस्तृत रूप में उसको रखा है, मैं उसमें ज्यादा जोड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन हां, अगर त्रिपुरा का समझौता हुआ, अगर ब्रू रियांग का समझौता हुआ, अगर बोडोलैंड का समझौता हुआ, और ये सारे समझौतों में सांस्कृतिक विरासत, भाषा सबको समा करके और सबको समायोजन करके शांतिप्रिय ढंग से अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, और धरती पर उसको उतारा है तो अमित भाई शाह ने उतारा है, इस कारण से आज शांति आई है। मुझे याद है मणिपुर जाओ तो बंद, असम आओ तो कर्फ्यू, कहीं जाओ तो बम का गोला, कहीं जाओ तो इंसर्जेंसी, कहीं जाओ तो आत्मघाती दस्ते, कहीं जाओ तो हमारे आतंकवादियों का प्रचंड राज। ऐसे में उत्तर पूर्व में शांति लाने का काम अगर किया गया तो वो दूर दृष्टि रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां रही, और धरती पर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हर संगठन के लोगों के साथ बातचीत करते हुए आज शांति यहां पर विराजमान है। आज विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज असम तरक्की कर रहा है, और असम के साथ साथ उत्तर पूर्व भी तरक्की कर रहा है। कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कभी असम को, गुवाहाटी को मिलेगा? कभी सोचा था कि हमको हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी हमने सोचा था कि कैंसर के डिटेक्शन से लेकर के कैंसर के केयर से लेकर कैंसर की इलाज के लिए सबसे बड़ा सेंटर उत्तर पूर्व में बनेगा तो वो भारत का, हमारा असम में गुवाहाटी और असम बनेगा? इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 3-3 एयरपोर्ट्स विकसित हो रहे हैं, आज ब्रॉड गेज जो है वो त्रिपुरा के साथ जुड़ गया है, 75 साल बाद मणिपुर के साथ ब्रॉड गेज गुड्स ट्रेन पहुंची है, आज हर एक दृष्टि से रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, आज उसी तरीके से 4 लेन का काम चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, नहीं सिर्फ असम में बल्कि पूरे उत्तर पूर्व में खर्च हो रहे हैं। अगर मैं चाय के बागान की बात करूं तो मैं गया था पिछले चुनाव से पहले, क्या बुरी हालत थी वहां पर हमारे चाय बागान में काम करने वाले लोगों की। और मुझे याद है उस समय हेमंत बिस्व शर्मा स्वास्थ्य मंत्री होते थे, इन्होंने चर्चा की और कहा कि चाय के बागानों के
बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। और मोदी जी ने उसी समय मोबाइल वैन डिस्पेंसरी को एक नहीं बड़ी संख्या में चाय के बागानों में पोस्ट करके वहां पर स्वास्थ्य की चिंता हुई। आज वहां मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, उनकी चिंता की जा रही है। कल बहुत गहराई के साथ गृह मंत्री जी के साथ वहां के विकास के लिए क्या योजना बन सकती है उसकी चिंता की गई है। बाढ़ मुक्त असम खड़ा हो, इसको एक प्रण के रूप में हमारे गृह मंत्री जी ने लिया है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में असम बाढ़ मुक्त हो जाएगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मित्रों, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे योजनाओं के बारे में बहुत गहराई से हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने आपको बताया है, गृह मंत्री जी ने आपको भारत के सुरक्षा के बारे में आपके सामने सारी बातें रखी है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि एक समय ऐसा आया था जब असम का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। उस समय अमित भाई शाह और हम खुद यहां पर यह नारा लगाते आए थे कि दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। मुझे याद है कि उस समय हितेश्वर साइकिया के पुलिस ने हम लोगों की पीठ लाल कर दी थी। हम भारत माता की जय बोल रहे थे और वहां पर विघटनकारी ताकतें यहां पर दंदना रही थी। उस समय हम लड़ने आए थे और आज आप कार्यकर्ताओं के कारण यहां कमल खिला है। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, गृह मंत्री जी के रूप में अमित शाह जी काम कर रहे हैं और विकास की एक नई बहार आई है। असम और उत्तर पूर्व मुख्य धारा में शामिल हो गया है। इसको गांव गांव तक इस बात को प्रचारित भी करना है, लोगों को बताना भी है और मजबूत असम की नींव को आगे बढ़ाना है, उसको खड़ा करना है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ कार्यकर्ताओं को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो एक जनसभा में परिवर्तित हो गया है, इतनी बड़ी संख्या, आज मित्रों कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जितना सामर्थ्य चाहिए न विचार है, न मन है, न ताकत है। आज भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो विचारों से लैस है, कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर है, जनता का समर्थन है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है और देश है, आपके साथ काम करने के लिए लोगों का वातावरण है। तो आपको संभाल करके आगे बढ़ाना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, आप देखिए अभी अभी हमारे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर गए थे। हम जम्मू कश्मीर में किससे लड़ रहे हैं? पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही परिवार की पार्टियां हैं। हम पंजाब में किससे लड़ रहे हैं? शिरोमणि अकाली दल, जो पार्टी परिवार की पार्टी है। अगर हम हरियाणा में आए तो चौटाला भाई परिवार की पार्टी है। अगर हम उससे नीचे आ जाएं तो उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी चुनाव लड़ा, 380 सीटों में 370 सीट में जमानत जब्त हो गई, वहां भी हम लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी से लड़ रहे हैं। अगर हम बिहार में जाएं तो आरजेडी परिवार की पार्टी है। अगर हम वेस्ट बंगाल में जाएं तो पीसी भाईपो, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है। अगर हम झारखंड में जाएं तो परिवार की पार्टी है। अगर हम उड़ीसा में जाएं तो बीजू की पार्टी है। अगर हम नीचे जाएं असम में, अपने आंध्र प्रदेश में, तो वाईएसआर की परिवार की, जगन मोहन की रेड्डी की पार्टी है। तेलंगाना, वह भी केसीआर की परिवार की पार्टी है। तमिलनाडु जाएं तो स्टालिन डीएमके परिवार की पार्टी है। मित्रों, हमारी लड़ाई आज किसी विचार वाली पार्टी के साथ नहीं रह गया। एक तरफ हमारे से लड़ने वाले वंशवाद के समर्थक, परिवारवाद के समर्थक, विचारों से गौण, और एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विचारों से युक्त और देश के लिए काम करने के लिए तैयार ऐसी पार्टी है। और इस पार्टी को मजबूती देते हुए देश को मजबूत करने का काम हम सबका है और असम को मजबूत रखने का काम, विकास की एक नई छलांग लगाने का काम अगर है
तो वो हम सबका है और आप सबके कंधों पर वो जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस कार्य को करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मां भारती की सेवा में हम सब कार्यकर्ता लगे रहेंगे। एक विकसित आसाम हम देखेंगे, एक विकसित और अपने आप में अच्छी तरीके से आगे बढ़ने वाला उत्तर पूर्व देखने का जो सपना हमारा था वो साकार हो रहा है। उसको साकार करने में आप सब लोग अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अहम। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सभापति जे पी नड्डा डांगरियार जी मार्गदर्शन तार बाबे आमी तेखेतक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करिलो। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।